हेलो द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन सेलुलर नेटवर्क कि सेलुलर नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज सेल सेल क्या होता है तो सेल इज़ अ बेसिक जोग्राफिक यूनिट ऑफ अ सेलुलर सिस्टम मतलब कि जो पूरा आपका कवरेज एरिया है उसको हम डिवाइड करते हैं किसके अंदर डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं तो बेसिकली आप, आप कह सकते हो इसमें कवरेज एरिया इज डिवाइडेड इनटू सेल्स कवरेज एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स और जो सेल्स का शेप होता है सेल का जो शेप होता है जनरली वो हेक्सागनल होता है ठीक है तो हेक्सागनल किस तरह से होता है देखो इस तरह से कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब क्या है इसका अगर मेरे पास ये पूरा कवरेज एरिया था इफ दिस इज़ माई कवरेज एरिया तो मैंने इस पूरे कवरेज एरिया को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है स्ट्रक्चर है हेक्सागनल स्ट्रक्चर नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ल्स आर स्टेशन ट्रांसमिटिंग ओवर अ स्मॉल जोग्रफिकल एरिया मतलब कि जो यहाँ पे ट्रांस रिसिवर होगा या फिर जो बेस स्टेशन होगा वो कहाँ तक ट्रांसमिट करेगा उसकी रेंज कितनी होगी विद इन अ सेल मतलब अपने जो छोटा सा एक ट्रांसमीटर है छोटा सा जो कवरेज एरिया है उसके अंदर ट्रांसमिट करने का काम करता है यहाँ पे जो बेस स्टेशन होता है तो हर सेल का एक अपना ट्रांस रिसिवर होता है जिसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन बी एस से रिप्रजेंट करते हैं उसे ईच सेल हैज़ इट्स ओन एंटीना हर सेल का अपना एक एंटीना होता है जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रजेंट किया अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो एडजेंड सेल्स होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है ताकि इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जा सके सो एडजेंड सेल्स आर असाइंड विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज टू अवॉइड इंटरफेरेंस आपस में इंटरफेरेंस ना हो मतलब अगर इसको फ्रिक्वेंसी एफ वन मिलेगी तो इसको एफ टू देंगे अब इस वाले सेल को देखो F1 भी नहीं दे सकते एडजेसेंट है F2 भी नहीं दे सकते एडजेसेंट है तो इसको हो सकता है F3 दे दें अब इस वाले सेल को F2 और F3 नहीं दे सकते क्योंकि एडजेसेंट है बट F1 दे सकते हैं तो इस तरह से हम फ्रिक्वेंसीज का एलोकेशन करते हैं इन सेलुलर नेटवर्क सेल ओके नाव नाव वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सेल इज डिफाइंड बाय रेडियस सेल इज डिफाइंड बाय अ रेडियस दैट इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट कवर्स द पर्टिकुलर एरिया मतलब जो एक सेल अगर आप ले लो और मैं इस तरह से अगर इसको ड्रॉ कर दूँ एक सर्कल इसके चारों तरफ प्रॉपर अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो जो सर्कल का रेडियस है या ये जो रेडियस आप कह लो दिस इज दिस रेडियस आर अगर मैं कहता हूं दिस इज सेल रेडियस ओके एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेंटर इज डी से द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेंटर इज डी मतलब दो एडजेसेंट सेल्स का जो सेंटर है अगर उसका डिस्टेंस क्या है अगर उसका डिस्टेंस है डी मतलब इफ दिस इज दीज आर द एडजेसेंट सेंटर्स अगर ये चीज मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये जो है दैट इज डी तो ये जो डी है ये किसके बराबर होगा एक फार्मूला है दैट इज अंडर रूट थ्री आर और r क्या आपका रेडियस r इज सेल रेडियस सो so, एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इफ़ देर इज़ अ सिंपल न्यूमेरिकल अगर बहुत सिंपल न्यूमेरिकल पूछ लिया गया कि सेल का रेडियस दे दिया और पूछा कि एडजेसेंट सेल्स का डिस्टेंस कितना होगा तो आप सिंपल इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सेल कि सेल होता क्या है अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बेस स्टेशन जैसे कि हमने पीछे क्या कहा था कि जो हर सेल होता है उसका अपना एक ट्रांस रिसीवर होता है एटलीस्ट एक ट्रांस रिसीवर ज़रूर होगा सो so, अगर मैं इस तरह से कहता हूँ यहाँ पे ये यह दो सेल हैं तो हर सेल का अपना एक ट्रांस रिसीवर होगा और उस ट्रांस रिसीवर को क्या बोलते हैं बेस स्टेशन तो ये भी बेस स्टेशन है ये भी बेस स्टेशन है अब ये जो बेस स्टेशन होते हैं ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ दे प्रोवाइड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद दी मोबाइल फोन्स सो जो आप हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेलुलर नेटवर्कस का वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करेगा सो लेटस डिस्कस वन मोर टाइम कि अगर एक मोबाइल है यहाँ पे एंड एक मोबाइल है यहाँ पे और इस मोबाइल का जो कवरेज एरिया है रेंज है या फिर जो लोकेशन है दैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर सेल और इस मोबाइल को अगर इससे बात करनी है इससे कम्युनिकेशन करना है तो ये अपने बेस स्टेशन से करेगा और ये बेस स्टेशन दूसरे सेल के बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा एंड देन दिस तो इस तरह से जो होता है कम्युनिकेशन वो स्टैब्लिश किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ बेस स्टेशन ओके तो ये तो हो गया मेन पॉइंट इसका कि होता है क्या है करता है क्या ये नाउ ईच सेल हैज अ स्टेशन विच कम्युनिकेट साइमटेनियसली विथ ऑल मोबाइल सेल्स हर मोबाइल सेल से भी कम्युनिकेशन कर रहा है एंड साथ साथ ये सारा ट्रैफिक पास करता है किसको एम को एंड इट ट्रांसफर और पासिस द ट्रैफिक टू एम ट्रैफिक टू एम ओके सो एम को भी ट्रैफिक पास करता है और साथ साथ कम्युनिकेशन भी चलता रहता है अब ऐसा नहीं है कि एक ही बेस स्टेशन होगा बहुत सारे बेस स्टेशन भी हो सकते हैं और अगर बहुत सारे बेस स्टेशन होंगे तो हो सकता है कि वो एक सिंगल बेस स्टेशन कंट्रोलर से लिंक होंगे तो हो सकता है वो एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से लिंक होंगे जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मेरे पास बेस स्टेशन है बेस स्टेशन वन बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन थ्री लेटेस्ट ले से मेरे पास तीन डिफरेंट बेस्टेशन हैं तो हो सकता है कि ये बेस स्टेशंस विल बी कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर बी और एक तरह से ये कैसे एक्ट करेगा एक तरह से ये एक्ट करेगा एज ए राउटर एज ए राउटर एक्ट करेगा जो सेल्स मतलब कि जो आपकी जो कम्युनिकेशन आ रही है उसको राउट करने का काम करेगा उसको रूट प्रोवाइड करने का काम करेगा सो बेस स्टेशन कंट्रोलर सो दे कम्युनिकेट विद द बे स्टेशन कंट्रोलर ऑल्सो सिंपल सर देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे इसको कम्युनिकेट करना है बी एस थ्री के मोबाइल फ़ोन से अब ये मोबाइल फ़ोन तो अपने बे स्टेशन से कम्युनिकेशन करेगा अब ये वाला बे स्टेशन इसको क्या पता कि यार जो जिस जो मोबाइल फ़ोन है दूसरा जिससे कम्युनिकेशन करना है वो कौन से बेस्ट स्टेशन में लाई कर रहा है पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो इन केस में क्या होता है कि ये बेस स्टेशन कंट्रोलर को कहेगा कि मुझे इस मोबाइल से कम्युनिकेशन करना है तो वो बेस स्टेशन कंट्रोलर इसको बता देगा कि ठीक है जो बेस स्टेशन आपको चाहिए वो कौन सा है और उससे वो लिंक को स्टैब्लिश कर देगा एंड कम्युनिकेशन गोस लाइक दिस तो एक तरह से क्या करता है ये ट्रैफिक को रूट करने के राउट करने के काम में हेल्प करता है बेस स्टेशन कंट्रोलर नाउ द नेक्स्ट इज एम एस सी द नेक्स्ट इज एम एस सी एम एस सी को बोला जाता है हार्ट ऑफ सेलुलर नेटवर्क सो एम एस सी इज़ कॉल्ड एज हार्ट ऑफ अ सेलुलर नेटवर्क काम क्या है इसका बेसिकली इसके दो काम है एक तो होता है राउटिंग एंड स्विचिंग सो राउटिंग एंड स्विचिंग दो काम होते हैं इसके एंड करता है कैसे है इट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ सेल्स जितने भी सेल्स हैं उनको कंट्रोल करना सो so, इसके मैं वर्किंग लिख देता हूँ क्या क्या काम है कंट्रोल्स नंबर ऑफ सेल्स देन सेकेंड इज अरेंज बे स्टेशन फॉर चैनल्स सो अरेंज बे स्टेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल एंड हैंडलिंग ऑल दी कनेक्शंस हैंडलिंग ऑल दी कनेक्शंस अब जो एमएससी होता है आपका इसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं एमएससी में एक होता है एच एल आर और एक होता है वी एल आर ठीक है कि जो एमएससी है उसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं एच एल आर एंड वी एल आर एच एल आर और वी एल आर को भी स्टडी करेंगे है क्या चीज़ बट यहाँ पे आपको इतना समझना है कि जितनी भी कॉल का सेटअप होता है कॉल की राउटिंग होती है कॉल का टर्मिनेशन होता है या मैनेजमेंट है एम एस सीज के अंदर का वो सब एम एस सी करता है बेसिकली एक कॉल का ओरिजिनेट होके कॉल के टर्मिनेशन तक जो पूरा उसका काम होता है पाथ होता है वो सब कौन कंट्रोल करता है एम एस सी ओके नाओ होम लोकेशन रजिस्टर एच एल आर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर वी एल आर नाम से ही पता लग रहा है अगर घर की इन्फॉर्मेशन है तो एच एल आर और अगर बाहर की इन्फॉर्मेशन है जो घर से दूर हो आप तो वी एल आर के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी सो एच एल आर क्या है बेसिकली एक डेटा बेस है एक डेटा बेस है डेट कंटेन्स दी करंट लोकेशन ऑफ ईच मोबाइल दैट बिलोंग्स टू एन एम एस सी सो कंटेन्स दी करंट लोकेशन लोकेशन लिख रहा हूं इंफॉर्मेशन uh, भी कह सकते हो सो करंट लोकेशन ऑफ ईच मोबाइल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एमएससी ठीक है जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपने देश में रह रहे हैं तो हम सबका एक आइडेंटिटी कार्ड है एक डेटा बेस है कि हम इस देश के सिटीजन हैं बट जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे किसी दूसरी सिटी में दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी पहचान किससे होती है जो हमारा पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट एक दूसरी कंट्री, कंट्री, कंट्री के अंदर जाके एक तरह से विजिटर लोकेशन रजिस्टर में काम करता है कि ठीक है ये इंसान इस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है तो विजिटर लोकेशन रजिस्टर क्या होता है इट इज़ अ डेटा बेस डैट रिकॉर्ड्स द विजिटिंग लोकेशन ऑफ ईच मोबाइल सो रिकॉर्ड्स विजिटिंग लोकेशन ऑफ ठीक है सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता देता हूं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अस से दिस इज लोकेशन वन अब हर लोकेशन का अपना एक एमएससी होता है सो ये लोकेशन वन का एमएससी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इस तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे भी एच है, है और वी है अब एक यूज़र है अमन जो इस पर्टिकुलर एम को बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर रहता है तो इस अमन की जो करंट लोकेशन है मोबाइल की वो किस में स्टोर होगी जब आपकी लोकेशन ए की बात कर रहे हैं हम लोकेशन ए के एम के एच में होगी नाउ अमन मूव करा मूव करा मूव करा मूव करा एंड अमन धीरे धीरे पहुंच गया किसी दूसरी जगह पे। अमन धीरे धीरे पहुंच गया किसी दूसरी जगह पे, यानी कि आप कह सकते हो लोकेशन बी के एम के अंदर पहुंच गया अब लोकेशन बी के एम में भी दो चीज़ें होंगी एक तो होगी एच और एक होगी वी अब क्योंकि जो अमन है इस लोकेशन बी के एम को तो बिलोंग नहीं करता बट यहाँ पे उसका मोबाइल आ गया तो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है नाउ इट विल बी स्टोर्ड इन दिस वी जो कि होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर ओके विजिटर लोकेशन रजिस्टर सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो एसोशिएटेड होती हैं कमिन सेलुलर uh, नेटवर्क के साथ एंड इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे इससे जो अगला वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे सेलुलर नेटवर्क का आर्किटेक्चर कि कैसा आर्किटेक्चर होता है सेलुलर नेटवर्क का क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं बेसिकली तो उसको पूरा कवर करेंगे सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials and do like and share this video with your friends also. Thank you.